ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम रोजाना करते हैं, सवेरे 6 बजे शाम को 4 बजे। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। मुरली मंथन से सबके सहयोग से जो राज निकल कर आते हैं वो हम सबके लिए हितकारी होते हैं। मुरली की उन गुह्य बातों को भी समझने में सहयोग मिलता है। आप भी इसमें जुड़ना चाहें तो 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर लाइव भी, यूट्यूब पर लाइव भी और बाद में भी। आप जब इस वीडियो को सुनते हैं उस समय इतना अलर्ट होकर सावधान होकर सुने कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। यदि कोई बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। लिंक यदि नहीं मिल रहा है, वैसे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे तो मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा, ताकि आप भी साथी बन के हमें भी सहयोग देंगे, हमें भी उन्नति करने का अवसर मिलेगा और आपको भी सबके सहयोग से लाभ मिलेगा। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है और अव्यक्त मुरली बाबा ने चलाई थी 15 मार्च 1999। मुरली का विषय है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वयं पर राज्य करने वाले बनो। तो ये बाबा की मुरली 1999 मार्च की है, अभी की। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे, कैसे बच्चों को देख रहे हैं, माँ बाप कहते हैं ना मेरा राज दुलारा, तो बाबा भी आकर हम सब बच्चों को क्या कह रहे हैं, अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार वा परमात्म प्यार बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं होता। ये परमात्म प्यार परमात्म दुलार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। कितने बच्चों को प्राप्त होता है सोच के देखो, 900 करोड़ आत्माओं में से, 900 करोड़ आत्माओं में से कितनी आत्माओं ने बाप को पहचाना। आज 87 साल से ऊपर हो गया, परमात्मा को पढ़ाते हुए 87 साल में कितनी आत्माओं ने बाप को पहचाना और कितनी दुनिया अभी हम चारों तरफ देखे जिन्होंने बाप को पता ही नहीं। सुना है ब्रह्मा कुमारी अच्छे हैं, परंतु हम अपने परिवार में देख ले, दुनिया कितनी बड़ी, दुनिया में से हम कितने राज्य दुलाराज दुलारे कहो, परमात्म प्यारे कहो, बच्चे हैं जिनको बाप ने चुना है और चुनने वालों में से बाप को पहचाना है। चुना तो बहुतों को, परंतु अभी उन्होंने पहचाना ही नहीं।
परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त हुआ, बहुत थोड़े। ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते, ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते, ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते। ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा भी क्या होते हैं, हर्षित होते। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो, राज दुलारे हो, राजा बच्चे हो, अपने को राजा बच्चे समझते हो तो अपने को राजा समझकर मुझे एक बाप को याद। नाम क्या है आपका? हमारा नाम पूछ रहा है बाबू, अब पूछ रहा है। राजा बच्चे बना लिया, परमात्मा प्यार के बच्चे बना लिया, अब हमारा नाम क्या है? तुम ओ राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा बच्चे, राजयोगी का मतलब यही है ना कि राजा बच्चे जो अपने कर्म इंद्रियों के राजा बने, वर्तमान समय में भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अब आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन रहे हो और भविष्य में आप क्या बनेंगे? विश्व महाराजन बनेंगे। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना कि हम डबल राजा, अब भी राजा और भविष्य में भी राजा बने। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे, हर एक आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वे तो जानते हो, वे तो जानते हो ना, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है, दोनों पावर आपके पास है। अपने पास पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं, राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। कौन है हमारे राज्य कारोबारी? हमारी कर्म इंद्रियां। हम राजा हैं तो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा, हम आत्माओं के कर्मचारी हैं, आंख नाक मुंह कान जो एक एक मेरा कहना मानते हैं या कहते हैं नहीं नहीं ये तो खाना है, रूठ के बैठ जाए उसको दिलाना पड़े वरना दुखी करता रहे, गुलाब जामुन तो खाने का। अपनी दरबार लगाओ, सवेरे सवेरे बाबा कहते कि अपने एक एक कर्मचारी को देखो, उसने मेरा कहना मीन्स बाबा का कहना माना या अपनी मन मत पर किया, चाहे कान हो कि नहीं नहीं ये गाना तो सुनना है या व्यर्थ की बातें सुननी है। सुनना, देखना, बोलना, करना, एक एक पर चेक करो कि वो कहना मान रहे हैं या नहीं मान रहे। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर
रूलिंग पावर को देख रहे थे। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को देख रहे थे। तो बताओ, बाप दादा आज बच्चों की, तो बताओ क्या देखा होगा। अब देखता है बाबा, क्या देखा बाबा ने देखा, और हम बाबा को बताएं कि बाबा ने क्या देखा। ये ऐसे कैसे बातें करता है बाबा हमारे साथ, हैं जी। नहीं, देख रहा है बाबा, अब क्या पता हमें क्या देख रहा है। स्थूल आंखें हो तो हम दूसरा देखने से पता लग जाता है कि ये क्या देख रहा है, ठीक है। स्थूल आंखों से तो चेहरे से पता लग जाता है क्या देख रहा है। बाबा का तो चेहरा भी नहीं दिखाई देता, उसकी आंखों से भी पता नहीं लगता कि वो क्या देख रहा है। अब क्या करें, चलो हर एक जानते तो है, फिर भी कहता है जानते तो हो मैं क्या देख रहा हूं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी अधिकार सभी का नहीं। कहलाते आप राज्यों की हो, अपने आप को राजा कहला रहे हो, परंतु अपनी कर्म इंद्रियों के आप राज अधिकारी तो सब नहीं। अखंड बीच बीच में खंडित होता है, थोड़ी देर राजा बनते हैं फिर थोड़ी देर गुलाम। बाबा याद आ गया राजा बन गए, फिर परिवार याद आ गया तो गुलाम। बाबा याद आया तो ये क्या हुआ, अभी अभी बाबा याद है, अभी अभी परिवार याद है, अभी अभी बाबा याद है, अभी अभी परिवार याद है। वही बाबा देख रहा है ना, वही बाबा देख के बता रहा है कि बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? अब क्यों? सदा स्वराज्य के बदले राज्य भी खंडित कर देता है। कैसे बच्चे, सदा राजा क्यों नहीं बनके रहते हो, बीच बीच में क्यों गुलाम बन जाते हो? पर राज्य की निशानी है ये कर्म इंद्रियां पराधीन। ये कर्म इंद्रियां क्या हो जाती हैं? पराधीन। क्या करूं, वो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे थे, सुननी पड़ी। क्यों सुननी पड़ी? सुननी पड़ी क्या? अब रिश्तेदार है ना, जानकार है, परिचित है, पड़ोसी है, सारी जिंदगी इनके साथ रहना है, इनकी नहीं सुनेंगे तो बताओ। हाँ बोलो भाई, बोले ये क्या है, पराधीन। इसी को बाबा कह रहे हैं ये क्या है? हाँ जी, हाँ हो जाता है। बोलो बाबा यही तो कह रहा है, पराधीन हो जाते हो। क्या करूं, बच्चों के लिए तो काम करने पड़ेंगे। मतलब कुछ भी है बहाना, कुछ ना कुछ ढूंढ के अपने आप को बाबा से बेमुख रखने में अपने आप को संतुष्ट कर लेते। ये क्या है? ये है माया। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पराधीन, अर्थात पराधीन। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, थोड़े से लोग तो ठीक, थोड़े अच्छे बच्चे हैं वो ठीक, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाती है। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से सभी अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते। स्वा के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते, स्वा के
संस्कार ही, अपने ही संस्कार, किसी दूसरे के नहीं, हमारे अपने ही उल्टे संस्कार स्वराज्य को खंडित कर, उसमें भी विशेष कौन से संस्कार हैं, व्यर्थ सोच जिसका कोई फायदा ही नहीं वो बैठ के सोच, जिसका कोई नुकसान नहीं परंतु उसका नुकसान हो जाता, ऐसी बातें जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं, ऐवे ही हम उनके बारे में सोच सोच करके अपना नुकसान कर देते। कुछ ना कुछ तो सोच आएंगे ना, क्यों आता है, इसके बचने का तरीका क्या होता है, अपने आप को बाबा कहते बिजी रखो, काम दे दो, काम नहीं देंगे तो व्यर्थ चलेगा, काम दे दो, इसको खाली नहीं रखो क्योंकि ये शैतान है, काम नहीं देंगे तो क्या कहेगा, खा जाऊंगा खा जाऊंगा, काम दे दो, काम नहीं देंगे तो कोई ना कोई शैतानी करेगा, बच्चे को बिजी रखो, काम दे दो उसको, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना, व्यर्थ की बातें चाहे आप बैठकर सुन रहे हो या व्यर्थ की बातें सुना रहे हो, दोनों ही एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ फिर क्या है, अलबेलेपन के संस्कार, सारा महीने सुधरना है और भी तो कुछ सुधर जाएगा, मैं ही राजा हमेशा बनता रहूंगा क्या, कभी कभी कोई और राजा भी तो बनेगा, हमेशा का राजा मैं बन जाऊंगा वो बेचारे क्या करेंगे, ये भी एक प्रकार का क्या है, चैरिटी है, उनको चांस देना है। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, हमारी वो आदतें थी नहीं, वो गंदी आदतें अब कहां कहां इमर्ज हो जाती, अब इमर्ज हो जाते, पहले नहीं थी वो गंदी आदतें, भक्ति में नहीं थी, पर अब जो है ना वो क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती, हम चाहते भी नहीं, वो संस्कार वो आदतें पता नहीं कहां से जाग जाती है। इसका कारण क्यों होता है ऐसा, इसका कारण क्या, ये माया की वार का एक एक साधन, ये माया की वार का एक एक साधन है, माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं, नहीं मिलेगी ये पता ही नहीं, परंतु कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने के लिए कोशिश करे। हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होती, किसी के बच्चे में, किसी के पति में, किसी की माँ में, किसी किसी न किसी में उसकी रग
फसल पर। बहुत अच्छा, चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर दी, पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश कर। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, लास्ट में सारे संस्कार अच्छे बुरे सब चिर हो जाएंगे ना सारे, कोई संस्कार रहेगा ही नहीं जिसके साथ हमें कोई बातचीत करे, हिसाब किताब ही नहीं है। लास्ट एक ही संस्कार होगा हर एक का, जो भी है हर एक का, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो दुख का, दो ही होते हैं सुख या दुख। संस्कार है पर तो इमर्ज नहीं होगे ना, मर्ज हो जाएंगे ना सारे, सिर्फ एक ही इमर्ज रहेगा संस्कार, जो अंतिम संस्कार है, जो इक्वल होना है। शरीर छोड़ते समय एक ही आखिरी संस्कार होगा ना, जो बराबर होते ही ओम शांति, चाहे वो जैसा हमारा होगा, चाहे उस समय में गुस्सा करने वाला संस्कार इमर्ज हो, हाय करने वाला संस्कार इमर्ज हो, वह बाबा कहने वाला संस्कार इमर्ज हो, वह मेरा भाग्य कहने का संस्कार इमर्ज हो, हर एक को अंतिम एक ही संस्कार होगा ना। और बाकी सारे मर्ज हो जाएंगे और उसके साथ वो भी मर्ज हो जाएगा, फिर 5000 साल बाद वो संस्कार मर्ज हो। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं। बाबा इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझो, आलस्य और व्यर्थ इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, आलस और व्यर्थ के साथ क्या आ जाता है नेगेटिव। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ, अपनी बुद्धि में समझ जाओ, ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज कर कि बाबा मेरे साथ है, मैंने बाबा की उंगली पकड़ी हुई है, ये दोनों अवस्थाओं को एक साथ अनुभव करो, कंबाइंड पर का अनुभव इमर्ज करो, अपने अंदर इमर्ज करो कंबाइंड पर, कंबाइंड रूप कि मैं और मेरा बाबा, बस और कोई है ही नहीं। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा और किसका होगा, मैंने इतने पैसे बाबा को दे दिए, खरीद लिया मैंने बाबा, इतने टाइम से आ रहे हैं, रोजाना टाइम पर आते हैं, मुरली सुनते हैं, वो हमारा नहीं होगा तो और किसका नहीं होता, ये मुरली सुनने से भी नहीं होता,
आपने बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चलाया है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्जो कि बाबा मेरा साथ है, ये आपके अंदर दिखाई दे। बाबा मेरे साथ हो तो कैसे पता लगेगा बाबा मेरे साथ है? हम थानेदार के साथ चले, हमारी चाल कैसे हो जाती है? हम डीसी के साथ चले, हम प्रधानमंत्री के साथ चले, कैसी चाल होगी हमारी? कर्म सारे अच्छे हो रहे हैं, मुझे सब आत्मा भाई भाई दिखाई दे रहे, तब तो बाबा होने का फायदा है। अक्कल दाढ़ आ गई। अच्छा अकड़, चाल में फर्क आ जाता है ना। तो ये माया का वार है, समझ लेना। वार नहीं होगा, माया हार खा ले। तुम्हारे ऊपर वार नहीं होगा, तुम्हारे आगे तो माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया? हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में तो नहीं है ना। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव करने वाले। बाप अल्बेरे नहीं बन जाना, बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है, जब बाप ही है तो वो पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए, कारण काल भी सर में परमात्मा है। अनुभव होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वे पावर हर कर्म में अनुभव होती हो। क्या समझते हो डबल फॉरेनर्स? क्या समझते हो पावर है? सदा सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, पावर है, कहते हैं हाँ है। बाबा पूछते कहाँ है?
तो सोच में पड़ जाते हैं, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य अधिकारी बनना है तो अर्थात एक ही। अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अखंड है ना, टीचर्स बोलो अखंड है तो अभी चेक करो अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी राजा बन जाए, कभी प्रजा बन जाए, कभी दास बन जाए, कभी नौकर बन जाए, कभी चाकर बन जाए, फिर राजा बन जाए, ऐसे ठीक है? ऐसे ठीक है, ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। थप्पड़ मार रहा है बाबा, लड्डू हाथ में रख के थप्पड़ मार रहा है। लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है, ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी में से दो शब्द निकाल दो, समटाइम और समथिंग, कंप्लीट, बस थोड़ा समय क्यों, सारा समय राज्य में सारे समय के लिए चाहिए, थोड़े समय के लिए क्यों चाहिए? अभी सम टाइम खत्म हुआ, पूछ रहे क्वेश्चन कुछ खत्म हुआ? जयंती बहन जी, बाबा पूछ रहे जयंती से, जयंती दादा आप तो दीदी हो गए एडिशनल। हाँ जी, अब तो भारत की जो है ना हमारी दादी की जगह पर हो गई है ना, हाँ एडिशनल डायरेक्टर बना दिया, रतन मोहिनी फर्स्ट, जयंती सेकंड और मन मोहिनी दीदी सेकंड, दो सेकंड एडिशनल। जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना सबका, तो सम टाइम खत्म है। जयंती दीदी लंदन से आई हुई थी ना उस टाइम, बाबा दीदी थोड़ा बोलेंगे, जयंती बोलेंगे। जो समझते हैं सम टाइम सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। सम टाइम हमारे जीवन से खत्म हो गया है, वो हाथ उठाओ, या खत्म होगा वो भी हाथ उठा लो, जो वायदा कर रहे हो पक्का पक्का वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, ये छोटा छोटा नहीं। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहां वाला फोटोग्राफर ने फोटो खींचाओ ना खींचाओ, तो वतन की टीवी में आपका फोटो खींच गया, वहां की टीवी में सब, यहां के टीवी में सभी के नहीं आते, ये कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की टीवी है, इसलिए सब भी आ जाते। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया, उनको सदा काल की मुबारक हो, सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, भारतवासी से पूछ रहे जिनका सदा काल स्वराज्य रहता है अपने ऊपर,
सर्व कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर चलती हैं, वह जिनकी सारी कर्म इंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर पर चलती पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखने का रखना कि सभा में हाथ उठाया है, ये याद रखना। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं, हाथ उठा लिया, फिर बाबा को मीठी मीठी बातें बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती, आपसे क्या छुपा है। तो अपने हाथ इलाज रखना, मेरे को ये सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा है फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ये। आप हिम्मत रखेंगे तो बाबा आपको मदद करेंगे ही करेंगे। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर हर कर्म इंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो कम है, वे और ही और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रू रिहान सुन रहा सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते थे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे हम पावरफुल याद नहीं कर सकते। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते 2 घंटा ठीक है, अब 2 घंटे 4 घंटे तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई। तो पूछ रहे तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई तुम्हारी। और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पासविद और न राज्य अधिकारी कैसे बन सके। बनना तो है ना, बच्चे हंसते हैं, बनना तो है ना, बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी, अब हमारी बातें हमें सुना रहा है बाबा। बाप दादा को हंसाते भी हैं, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट में, 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल। शरीर को कंट्रोल, शरीर का कंट्रोल हो जाता है 3 मिनट, हम शरीर को तो अकड़ कर बैठ जाते हैं। खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बता रहे, रुक जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता है कभी। कारण क्या है कंट्रोलिंग पावर की कम, ऐसी कमी और बड़ा कभी इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना,
तो क्रैक नहीं है तो बॉर्डर ठीक है। क्रेक नहीं है, क्यों होना चाहिए, ब्रेक नहीं है, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहते हैं, अच्छा क्रेक नहीं है तो उठा लेते हैं, हाथ में कोई क्रेक आ जाए, टूट जाए हड्डी वड्डी, तो हाथ नहीं ऊपर उठा सकते। ऐसे मन ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है, ऑर्डर करो स्टॉप, बस ऑर्डर करो स्टॉप, स्टॉप। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाओ, परम धाम में चल जाओ, याद करने परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए, बुद्धि को कहो परम धाम में चलो तो बुद्धि कहां चली जाए, सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए, जो सोचो वे ऑर्डर प्रमाण ही सोचो। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ, आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया, कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। जब विधि समाप्ति पर आ जाती है अवस्था तक पहुंचने की विधि है तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे, परमानेंट वादा करता है बाप। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आ जाएंगे, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आ जाएंगे, क्या कह रहे हैं ये, तो साथ चलेंगे सबने कहा है, ये तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हां जी नहीं। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना, अब जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, एक मोटू एक पतलू, एक लंबू एक छोटू, जोड़ी अच्छी लगेगी, जोड़ी अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए। शिव बाबा के साथ जोड़ी कैसे बनाए हम, मतलब जोड़ी कहते मेरे साथ चलना है, मेरी जोड़ी बनो, बाप समान बन के बाबा के साथ चल। अब जो बाप समान नहीं बनेगा वो तो पीछे हो जाएगा, वो तो पीछे रह जाएगा ना। चौड़ी अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी, समान चाहिए ना, तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या याद करें, क्या करेंगे, अभी अपने अपना स्वराज्य अच्छी तरह से संभालो,
रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी होना तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हाल चाल पूछो। चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई, कॉपी कॉपी है ना, नकल करो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। इन्हों को बताना दिखाना, ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए? या एवर रेडी हो इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एक ही समय पर तीनों सेवाएं बहुत फास्ट कर सकते। सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकलेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन क्या चाहता है बाबा? तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर की बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजी हो, जब चाहो, जैसा चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि ला और ऑर्डर में सारी बातें आपकी याद। आप कहो नहीं करना है, कहो नहीं करना है, और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा क्या लगाना है, सदा शब्द जोड़ दो। अभी एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। ये मार्च में आया ना बाबा, लास्ट 15 दिन बाद फिर बाबा ने आना है। कहते 15 दिन होते हैं दूसरा टर्न, जो लास्ट टर्न है। 15 दिन में कुछ तो करके दिखाएंगे या नहीं? पंद्रह दिन में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट सबके लेकर दोगे? टीचर को जिम्मेवारी लगा रहा है, सबसे पूछ के बताओ मेरे को। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे, अभी कहो हाँ या ना, बाद की बात नहीं, अभी बोलो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया।
आप अपने हाथ की लाज रखना, हाथ उठा लिया तुमने, अब अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांति वन वाले उठो, बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाई, इधर आओ। इधर आओ। फिर क्या किया, बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है, सब दिखाओ सबको शक्ल, बुला करके मुंह फिरवा करके सबको अपने अपने शक्ल दिखाओ। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या हैं वो बता रहे हैं, क्या चाहते हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चार धाम तो हैं, पांचवा छोटा है। पांचवा क्या है छोटा, नक्की लेक पर म्यूजियम। ठीक है, एक पांडव भवन हो गया, ज्ञान सरोवर हो गया, पीस पार्क हो गया, सॉरी पीस पार्क बाद में आया, शांति वन हो गया उस टाइम पर, और ग्लोबल हॉस्पिटल, और एक छोटा सा क्या है म्यूजियम। चारों में ही बाप दादा की एक आशा है, बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी आत्माओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहां वहां से कोई भी बात, कोई भी और बातें नहीं सुनने में, कोई भी बात नहीं सुनाने आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1, क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है। तो निर्वैर भाई को पकड़ लिया, आगे बड़ा भाई बैठा, पांडवों की तरफ से आप हो, निर्वैर भाई को हमें नहीं कहा। हो सकता है, वो कहता दादी, दादी की तरफ इशारा किया, दादी तो है लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो बताओ हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है, जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वो हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसकी कुछ आदतें ऐसी है, उसका कुछ हो सकता है, हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे। अगर किसी का कमजोर है, गड़बड़ हो गई है, अब उसका क्या करेंगे। आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, साथ देते हुए, साथ निभाते हुए रिजल्ट निकालेंगे। मुझे यहाँ याद आ रहा है अबंटूस कहानी होती है, मतलब इसमें ये विदेश की कहानियों को हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो याद इसलिए आ रहे कि मतलब उन्होंने 5 6 जो भी अपंग अपंग बच्चों को रेस कराई कि वो जो फल सबसे पहले उठाएगा उसको मिलेगा।
आप सामान्य तो ये होता है कि सारे अलग अलग भागते हैं, वो तो उन्होंने सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, संभालेंगे एक दूसरे को और आराम से वहां पहुंचे और सबको बांट दिया। क्या समझ में आया? उनकी शिक्षा यह है कि सबके कल्याण में मेरा, मैं खा लूं बाकी भूखे रह जाए कोई बात, ऐसे होता है? हम सबके सुख में, हम सब भाई मैं खा लूं दूसरा भूखा बैठा है, कहां से क्या मतलब है? ये बहुत वंडरफुल, मतलब जो गिर रहा है जो नहीं, उसको भी उठाओगे कि साथ चलाओगे कि उसको छोड़ दोगे? इतनी हिम्मत रखते हो? बाबा उनको पूछ रहे, इतनी हिम्मत है ना कि सबको उठा के चलेंगे, सारे के सारे पास होंगे? हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? हम तो पास हो जाएंगे, हमें क्या दूसरों से? दूसरों की बात को भी समा सकते हो, दूसरों की भी की बात को भी समा सकते हो, पूछ रहे हो? सबको दोगे कि अपने आप राजा बनोगे? तो हम अकेले राजा थोड़ा बनेंगे जाकर के, सब साथी बनेंगे तब तो राज्य करने का मजा आएगा। उसकी गलती समा सकते हो, वायुमंडल में फैलाओ नहीं, संभालो अंदर, खत्म। वो भैया साहब जैसे क्यों जोर से बोलो हाँ जी, जबरदस्ती है बाबा, जोर से बोलो हाँ जी। अब बोलना पड़ा, बच्चे क्या करते? मुबारक हो, 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे, कैसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए, कमजोर। 1-2 को वाइब्रेशन दे सकते, देना है और प्यार से वाइब्रेशन देना, सलाह देना। झगड़ा नहीं हो, ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना या कोई कोई बनेंगे? सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ साथ, अकेले अपना नहीं, सेंटर के सभी साथियों के साथ साथ, 3 मास रिजल्ट निकालेंगे। हुआ तो जो समझते हैं कोशिश करेंगे, वो भी हाथ उठा। कह नहीं सकती हैं, जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वे कोई हैं तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों की मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने अपने स्थान पर खड़ा किया सभी को, महाराष्ट्र दिल्ली कर्नाटका के भाई बहनों को खड़ा किया। और वायदा कराया फिर यूपी वालों को, सेवा की मुबारक दी, यूपी वालों का टर्न सेवा का था। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को,
सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले कर्मातीत बच्चों को बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाप बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। वरदान विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, कोई हमारे उसमें विघ्न डालने वाली आत्मा हो उसको समझो यह हमारी टीचर है, हमें समझा रही है। वरदान आपको समझ रहे हैं शिक्षक और उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो कि मुसीबत है विघ्न डालती है, नहीं, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली पहली पहली पहला पहला जो पाठ है ना उस अवस्था में टिक जाए तो आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना, इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा याद के लिए सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त अचल बनाने के निमित्त समझो कि वो हमें अचल और निश्चिंत बनाने के निमित्त है। इससे और भी सहज अनुभव होता है, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म करो, कोई फाइल नहीं लेनी चाहिए कंप्लेंट। फाइन और रिफाइंड बनो, फाइन साफ बनो, रिफाइंड दोबारा चेक करके अपने अंदर कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।